हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। देखिए दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूँ जनरल स्टडीज़ के मोस्ट इम्पोर्टेंट 32 क्वेश्चन है और ये इस वीडियो का पार्ट 8 है। इसके पहले जिस पे 7 वीडियो जो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, अगर आप उसे देखना चाहें तो उसका लिंक जो है आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जो है आप उसे देख सकते हैं। और ये वीडियो चाहे आने वाले एग्जाम से रेलवे, RPF, SI, SSC GD, UP पुलिस और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पास वाली बेल आइकन है उसे भी ऑन कर दें, क्योंकि मैं डेली ऐसे 1 से 2 वीडियो अपलोड करता हूं जिसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? लोहा, तांबा, निकल या फिर सीसा? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तांबा। ठीक, सोना को कठोर बनाने के लिए जो है उसमें तांबा मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोना निम्नलिखित में से किस अम्ल में घुल जाता है? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र नाइट्रिक अम्ल, ग्लेशियर एसिटिक अम्ल या फिर अम्लराज? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अम्लराज। ठीक, सोना जो है ये अम्लराज में घुल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेवकूफ़ों का सोना यानी फूल्स गोल्ड के नाम से किसे जाना जाता है? आयरन पाइराइड्स को, गैलेना को, फ्लोराइड्स या फिर पायरुलोसाइट को? तो फ्रेंड, यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आयरन पाइराइड को। ठीक, फूल्स गोल्ड के नाम से जो है आयरन पाइराइड्स को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है? खाद्य पदार्थ, स्वर्ण आभूषण, पेट्रोलियम उत्पाद या फिर पर्यावरण उत्पाद? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वर्ण आभूषण पर। ठीक है, हॉलमार्क का चिन्ह जो है ये स्वर्ण आभूषण पर लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, विजयालक्ष्मी पंडित या फिर मैडम भीखाजी कामा? तो फ्रेंड, यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मैडम भीखाजी कामा। ठीक, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है ये मैडम भीखाजी कामा के द्वारा किया गया था। और यदि एग्जाम में पूछा जाए कि स्टैचू ऑफ यूनिटी का डिजाइन किसने तैयार किया था, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी का डिजाइन जो है राम सुतार ने तैयार किया था। किसने किया था? राम सुतार ने किया था, तो आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना का प्रतिशत कितना होता है? 7.5%, 75%, 50% या फिर 100%? तो फ्रेंड, यहां पर इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 75%। ठीक है, 18 कैरेट सोना में शुद्ध सोना जो है 75% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पारा का निष्कर्षण किस में किया जाता है? तो दोस्तों, पारा का निष्कर्षण जो है सिनेबार से किया जाता है। किससे? सिनेबार से किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मीना माता रोग किस कारण से होता है? पारा, सीसा, कैडमियम या फिर जस्ता? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पारा। ठीक, मीना माता रोग जो है ये पारा के कारण से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्विक सिल्वर के नाम से किसे जाना जाता है? एल्युमिनियम, मरकरी, प्लेटिनम या फिर प्लेडियम? तो फ्रेंड, यहां पर इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मरकरी। ठीक, क्विक सिल्वर के नाम से जो है मरकरी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10वां नंबर क्वेश्चन है, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसमें बताना है कि सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, HGS। ठीक, HGS जो है ये सिंदूर का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैलोमल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसमें बताना है कि कैलोमल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, Hg2Cl2। ठीक, Hg2Cl2 जो है ये कैलोमल का रासायनिक सूत्र है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रासायनिक दृष्टिकोण से सिंदूर क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फाइड या फिर मर्क्यूरिक सल्फाइड? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मर्क्यूरिक सल्फाइड। ठीक, रासायनिक दृष्टिकोण से सिंदूर जो है मर्क्यूरिक सल्फाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,